देश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सीबीआई के खत ने इस घोटाले को चर्चा में ला दिया है। सीबीआई के व्यापम जोन की ओर से सीबीआई मुख्यालय दिल्ली में एक खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि B10 और इससे लगे बंगले का स्थायी आवंटन सीबीआई के व्यापम जोन को किया जाए। इसके लिए तर्क दिया गया है कि व्यापम महाघोटाले में 170 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं, 3000 से ज्यादा आरोपी हैं। ऐसे में केस की ट्रायल पूरी होने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये भी लिखा गया है कि व्यापम जोन परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े नए मामले भी दर्ज कर रहा है। ऐसे में स्थायी ऑफिस बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर सीबीआई को प्रोफेसर कॉलोनी में 2 बंगले आवंटित किए हैं। इन्हीं बंगलों में सीबीआई ने अस्थायी तौर पर अपना दफ्तर बनाया हुआ है। अभी ये बंगले लोक निर्माण विभाग की ओर से अस्थायी तौर पर ही आवंटित हुए हैं। सीबीआई को आशंका है कि इन हालातों में उन्हें कभी भी बंगला खाली करने का नोटिस मिल सकता है। ऐसे में सीबीआई मुश्किल में पड़ सकती है। सीबीआई अधिकारियों की माने तो सिर्फ व्यापम घोटाले से जुड़े केसों की जांच के लिए ही व्यापम जोन बनाया गया था, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अन्य मामले भी इसी जोन को भेजे जा रहे हैं। हाल ही में व्यापम जोन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जुड़ा एक केस भी दर्ज किया है। इसमें 1800 से ज्यादा आरोपी हैं। जांच में काफी वक्त लगेगा। ऐसे में स्थायी ऑफिस की जरूरत तो पड़ेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।